मैं आपके अपने चैनल हरित कृषि कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं पहला क्वेश्चन है नेशनल सीड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन नेशनल सीड प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में कब हुआ था नाइनटीन में उन्नीस सौ छिहत्तर में नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन इज सीड प्रोडक्शन में कौन सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है एन एस सी नेशनल सीड कॉरपोरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेशन सीड इज द प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजनी है ब्रीडर सीड की प्रोजनी है किसकी है ब्रीडर सीड की प्रोजनी है द कलर ऑफ सर्टिफाइड सीट टैग सर्टिफाइड सीट के टैक का कलर किस कलर का होता है ब्लू कलर का किस कलर का होता है ब्लू कलर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीट क्रॉप ऑफ टमेटो इज कितना होता है टोमेटो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है तो इसका कम होगा कितना होगा फाउंडेशन सीट प्रोडक्शन के लिए फिफ्टी मीटर किसके टमेटो के टमेटो के फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस हम लोग मेंटेन कितना करते हैं फिफ्टी मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सीड एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर टमेटो इज एसिड मेथड कौन सा मेथड है एसिड मेथड जिसमें हम लोग पंद्रह से बीस मिनट तक हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एसिड में क्वेश्चन है फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ बेंडी मेल एंड फीमेल लाइन आर रेस्ट इन भिंडी के हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल लाइन को हम लोग किस मेथड में रेस्ट करते हैं ब्लॉक मेथड में किस में करते हैं ब्लॉक मेथड में नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू टू टाइप एंड हेल्दी सीड ऑफ ओनियन आर प्रोड्यूस्ड बाय वल्व टू सीड मेथड किस करते हैं वर्ल्व टू सीड मैथड से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमम मॉइस्चर फॉर वाइटर सीड स्टोरेज बाइटर के सीड की स्टोरेज करने के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कितना होना चाहिए सिक्स परसेंट कितने परसेंट होना चाहिए सिक्स परसेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड यूज्ड फॉर वेट सीड एक्सट्रैक्शन इन गार्ड्स गार्ड्स में वेट सीड एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन सा मैथड यूज करते हैं इसका आंसर है मैनुअल स्कूपिंग एंड वॉशिंग विथ वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशन बिहेवियर ऑफ काउपीज काउपी का पोलिनेशन बिहेवियर कैसा होता है सेल्फ पोलिनेशन कैसा होता है सेल्फ पोलिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉलीफ्लावर फ्रूट इज कार्ड कॉलीफ्लावर के फ्रूट को क्या बोलते हैं शिली क्या बोलते हैं शिली क्वेश्चन है आइडियल टेम्परेचर फॉर बोल्टिंग इन कैबेज इज कैबेज में बॉल्टिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर कितना होता है टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस कितना होता है टेन टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन है ओवर विंटरिंग इज एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग इन कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर में ओवर विंटरिंग एसेंशियल होता है फ्लावरिंग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट सूटेड सीजन फॉर प्लांटिंग ऑफ टीपीएस मतलब ट्रू पोटैटो सीड इसको बायोलॉजिकल सीट है किसका पटेटो का अप्रैल में कौन सा है अप्रैल में नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर लिमिट फॉर हीटेड एयर ड्राइंग इज हीटेड एयर ड्राइंग के लिए टेम्परेचर का लिमिट कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन है विच इज अर्थोडेक्स टाइप सीड इनमें से कौन सा अर्थोडेक्स टाइप सीड है टमेटो इसमें टमेटो का क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब मोस्चर परसेंटेज ऑफ इट्स वेट टेन परसेंट कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब मोस्चर टेन परसेंट ऑफ इट्स वेट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग केयर शुड बी टेकन टू एवॉइड मैकेनिकल डैमेज इसको एवॉइड करते हैं हम लोग मैकेनिकल डैमेज को नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर अपग्रेड द सीट अकॉर्डिंग टू देयर वेट किसके आधार पे हम लोग किसके अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट करते हैं वेट के आधार पे किसके आधार पे वेट के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एस टी ए वॉज इस्टिश ड्यूरिंग इंटरनेशनल सीट टेस्टिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी नाइनटीन में उन्नीस में नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सीट टू बी टेस्टेड फॉर एसेसिंग जर्मिनेशन परसेंटेज एस पर आई एस टी एज फोर हंड्रेड कितना होता है फोर हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट इंटेंसिटी विच फेवर्स द सीड जर्मिनेशन इज कितना होता है सेवन हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड एट्टी नैनोमीटर कितना होता है सेवन हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड एट्टी नैनोमीटर सीट के जर्मिनेशन के लिए लाइट इंटेंसिटी की आवश्यकता होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट द नेसेसरी फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर नेसेसरी नहीं है तो इनमें एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट ये भी आवश्यक है सीड जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर भी आवश्यक है नेसेसरी है टेम्परेचर भी नेसेसरी है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है डी नन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड इज डिफाइंड एस सीड की डिफिनेशन बताना है अपने को तो मैच्योर्ड एवल मेच्योर्ड भी सीड का डिफिनेशन है एम्ब्रियो इन इन अ सीड कोट ये भी सीड का डेफिनेशन है एनी प्रोपोगेशन मटेरियल ये भी सीट का डिफिनेशन है तो इसका आंसर कौन सा सही होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आल मगर अगर पूछता है बायोलॉजिकल डिफिनेशन तो बायोटोलिकल डिफिनेशन क्या होता है इसका मैच्योर ओव्यूल क्या होता है मैच्योर ओव्यूल है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ ब्रिंजर ब्रिंजर के सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना होता है एक सीड से फोर हंड्रेड फिफ्टी बनते हैं सीड मल्टीप्लिकेशन मतलब एक सीड से कितने सीड बनते हैं तो ब्रिंजल के एक सीड से कितने सीड बनते हैं फोर हंड्रेड फिफ्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मिनेशन मॉडल यूज इन सीड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के सीड प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा जर्मिनेशन मॉडल हम लोग यूज करते हैं थ्री जर्मिनल मॉडल कौन सा यूज करते हैं थ्री जर्मिनल मॉडल का यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोविंग डज नॉट क्रॉस विथ कॉलीफ्लावर इनमें से हम लोग किसका क्रॉस कॉलीफ्लावर के साथ नहीं कर सकते हैं रेडिस का रेडिस का क्रॉस हम लोग कॉलीफ्लावर के साथ नहीं कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें